जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहा है, नगर परिषद हमीरपुर चुनावों में सर्दी के मौसम में गर्माहट महसूस की जा सकती है। नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर एक की भाजपा समर्थित प्रत्याशी बिमला देवी अपने वार्ड नंबर एक के कृष्णानगर, पक्काब्रो, हीरानगर, अणु क्षेत्रों में घर घर जाकर समर्थन मांग रही है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी बिमला देवी ने कहा कि वे हर घर घर में कई बार जा चुकी है। वे वार्ड नंबर एक के प्रबुद्ध नागरिकों को उन्हें पूरा स्नेह व समर्थन मिल रहा है। बिमला देवी ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से भाजपा महिला मोर्चा में महिला मंडल में बतौर अध्यक्ष, स्वयं सहायता समूह में बतौर अध्यक्ष, बतौर नॉमिनेटेड पार्षद व बीडीसी सदस्य पूरे निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वाह कर चुके हैं। बिमला देवी ने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों में कभी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया और उनका लक्ष्य यही है कि वार्ड नंबर एक का संपूर्ण विकास हो, विकास कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए। बिमला देवी ने कहा कि उन्होंने पहले भी प्रबुद्ध नागरिकों को विश्वास में लेकर अपने दायित्व का निभा किया और उन्होंने वार्ड नंबर एक की प्रबुद्ध जनता से समर्थन व आशीर्वाद मांगा है, ताकि वे आने वाले समय में बतौर पार्षद प्रबुद्ध नागरिकों को विश्वास में लेकर वार्ड नंबर एक को विकास की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की दृष्टि से, जैसे बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइटें, हर घर को सीवरेज की सुविधा देना, रास्तों गलियों को पक्का करना, बच्चों के लिए खेलकूद के स्थान विकसित करना, अलग अलग क्षेत्रों में शहर के लिए स्थान चिन्हित कर तैयार करवाना, नालों पर पुलिया रास्ता निर्माण करना आदि प्राथमिकता पर कार्य करवाकर वार्ड नंबर एक को विकास में भी नंबर वन बना सके। बिमला देवी ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड नंबर एक की जनता का भरपूर स्नेह व समर्थन मिल रहा है।